मंगलवार को इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने सुबह 8:30 से 9:30 के बीच चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया। ये इसरो वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की पहली कक्षा में स्थापित किया। चंद्रमा के चारों तरफ दो चक्कर लगाने के बाद 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। इस ऐतिहासिक पल के गवाह खुद पीएम मोदी बनेंगे। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 चांद पर उतरते देखने के लिए पीएम मोदी खुद इसरो जा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर राजीव गांधी के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमेरिका से फिर डोज मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात इमरान से फोन पर बात की और साफ कर दिया कि वो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी रोके। इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जिस अभूतपूर्व इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का परिचय दिया है वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकती है। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारा दिया है। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को पीओके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जय कश्मीर जय भारत अब की बार उस पार। संसद में गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि पीओके भी कश्मीर का हिस्सा है। मुस्लिम प्रीचर और हिंदुस्तान के भगोड़े जाकिर नायक पर मलेशिया में मुसीबत बढ़ती जा रही है। मलेशिया ने जाकिर नायक की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी है। मलेशिया में उनसे 10 घंटे तक पूछताछ भी हुई। श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को डेल्फ्ट द्वीप के पास 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। काचाथीबू द्वीप के पास ये मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तभी श्रीलंकाई नौसेना ने गश्त के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और कोयले का जलाया जाना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट ने ये आंकड़े जमा किए हैं। पूरी दुनिया में 15% से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत करता है। बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार खय्याम का 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें 28 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बेशुमार फिल्मों में यादगार धुनों के लिए खय्याम साहब हमेशा याद आएंगे।